सुमन गिल भारतीय क्रिकेट में पिता की कुर्बानी और करसन घाबरे के इत्तेफाक का वो मिसाल है जिसको शायद ही दुनिया कभी भूल पाएगी। सुमन गिल के जिंदगी का एक ऐसा इत्तेफाक जिसने गिल को टीम इंडिया तक पहुंचा दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन शर्मा XY3 के एक स्पेशल एपिसोड, कहानी सुमन गिल के संघर्ष की। सुमन गिल का जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के चाक खेरे वाला गाँव में हुआ। पिता लखविंदर सिंह एक किसान थे तो माँ किरण गिल एक हाउस वाइफ। घर में एक टीवी था जिसमे हर एक क्रिकेट मैच देखा जाता था। जब सचिन की बैटिंग आती थी तब पिता लखविंदर सिंह टीवी के पास से हिलते भी नहीं थे, क्योंकि उसके पिता भी बचपन में क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन अच्छे गाइडेंस नहीं मिलने के कारण वो क्रिकेटर नहीं बन पाए। जब सुमन गिल 3 साल के थे तब से ही घर में रखे बैट से वो खेलते थे, लेकिन वो बैट इतना भारी था कि वो बैट उठा ही नहीं पाते थे। तब दादा दिलदार सिंह ने उसको एक हल्का बैट बनवा कर दिया, तब सुमन गिल उसी से खेलने लगे। और जब उसके पिता लखविंदर सिंह को अपने बेटे के अंदर क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट दिखी तब उन्होंने खुद अपने बेटे को ट्रेंड करना शुरू किया और अपने खेती करने वाले खेत में ही पिच बनाकर नेट लगा दिया और रोज 500 से 700 गेंदों का प्रैक्टिस कराने लगे। फास्ट बॉल के प्रैक्टिस के लिए वो पिच पर चारपाई रख देते थे जिससे बॉल स्किड कर सके, और वहीं सुमन गिल को सिंगल स्टंप से भी प्रैक्टिस कराते थे जिससे बॉल को वो आसानी से मिडल कर पाए। उसके पिता ही उसके पहले कोच थे। अब उसके पिता गाँव के सभी फास्ट बॉलर को बुलाकर सुमन को आउट करने को कहते थे और सुमन को आउट करने वालों को 100 रुपये का इनाम भी देते थे। ये सप्ताह में एक या दो बार ही ऐसा होता था जब कोई यह इनाम जीत पाता था। बेटे का खेल के प्रति निखार को देखते हुए लखविंदर सिंह ने मोहाली शिफ्ट होने का निर्णय किया ताकि सुमन को क्रिकेट की सारी सुविधा आसानी से मिल सके। इस समय उसके दादा दिलदार सिंह बहुत दुखी थे क्योंकि उसका पोता उससे दूर जा रहा था। यह डिसीजन लखविंदर सिंह के लिए आसान नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पर उसका एडमिशन मानव मंगलम स्कूल में कराया गया। इस स्कूल में कोई अकेडमी नहीं होने के कारण वो अपने फ्रेंड के साथ ही क्रिकेट खेलते थे। तब लखविंदर सिंह ने अपने बेटे को कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग देने के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के सामने ही एक रूम लिया और वहीं सुमन गिल को प्रैक्टिस कराने लगे। और 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला लोकल मैच जीता जो कि आज भी उसको याद है। अब साल आता है 2009 जब करसन घाबरे को PCA के फास्ट बॉलर का इंचार्ज बनाया गया और उन्होंने ऑल इंडिया पेस बॉलर कैंप ऑर्गेनाइज किया जिसमें पंजाब, बंगाल और बिहार से काफी बॉलर आए थे और सभी 18 से 19 साल के थे। वहीं संदीप शर्मा भी उस कैंप का हिस्सा थे। वहाँ बॉलर्स की ट्रेनिंग तो हो रही थी लेकिन प्रैक्टिस के लिए अच्छे बैट्समैन नहीं मिल रहे थे। एक दिन बारिश की वजह से ट्रेनिंग को इंडोर शिफ्ट करना पड़ा। तभी घाबरे और असिस्टेंट कोच ने सोचा कि जब तक यहाँ खेल शुरू होगा तब तक हम लोग बाहर से टहल कर आते हैं। स्टेडियम के सामने वाले ग्राउंड में 10 से 11 साल के बच्चे मैच खेल रहे थे। बारिश में भी उन्होंने अपने मैच को नहीं रोका। उसमें से एक बैट्समैन की बैटिंग टेक्निक को देखकर वे दोनों हैरान रह गए। 15 मिनट से वे दोनों बैटिंग देख रहे थे लेकिन एक भी शॉट उस लड़के ने क्रॉस बैट से नहीं खेला था। सभी शॉट्स को वो सीधे बल्ले से खेल रहा था। तभी घाबरे जी ने उस लड़के के बारे में पता करना चाहा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो लड़का कौन है। लेकिन तभी अचानक उसका नजर पेड़ के पास खड़े व्यक्ति के पास गया। वो इंसान बच्चे के मैच को बहुत ही दिलचस्पी से देख रहा था और घाबरे जी ने उनसे जाकर बात करी। तब पता चला कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के के पिता लखविंदर सिंह है। तब घाबरे जी ने लखविंदर सिंह को कल सुबह सुमन गिल को स्टेडियम में लाने को कहा और उस दिन सुबह घाबरे जी ने सुमन को 18 से 19 साल के बॉलर के सामने बैटिंग करने को कहा। तभी सुमन ने बिना डरे ही संदीप शर्मा के बॉल पर स्ट्रेट ड्राइव मारा और बाउंसर को भी काफी अच्छे तरह से खेल रहे थे। और जब तक वहाँ कैंप चला तब तक रोज सुमन गिल वहाँ बैटिंग करने आते रहे। वो कैंप तो फास्ट बॉलर को ढूंढने के लिए था लेकिन वहाँ बैट्समैन मिल गया था, एक ऐसा बैट्समैन जो आगे चलकर टीम इंडिया का नाम रोशन करने वाला था। और वहीं घाबरे सर को जब पता चला कि सुमन पंजाब के अंडर 14 टीम के हिस्सा नहीं है तो तुरंत ही महेंद्र पांडव को सुमन को अपनी टीम में शामिल करने को कहा। इसके बाद वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। अब सुमन ने मोहाली क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर ली जहाँ कोच सुखविंदर सिंह के अंदर उन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू करी। अब उसको पंजाब के अंडर 16 टीम में भी शामिल कर लिया गया और साल 2011 के अंडर 16 टूर्नामेंट में गिल ने 5 मैचों में ही 300 रन मारे और वहीं साल 2013-14 के विजय मर्चेंट ट्रॉफी के 7 मैचों में ही गिल ने 734 रन बनाए जिसमें उसका एवरेज 73.40 का रहा। और वहीं अगले साल फिर उसी टूर्नामेंट के 7 मैचों में 1018 रन मारे, इस बार उसका एवरेज 92.54 का रहा। और इसी टूर्नामेंट में उन्होंने निर्मल सिंह के साथ 587 रनों की रिकॉर्ड ब्रेकिंग पार्टनरशिप करी। उस मैच में उन्होंने 351 रनों की शानदार पारी खेली थी। अब सभी जगह सिर्फ सुमन गिल का ही नाम गूंज रहा था जिसका परिणाम ये हुआ कि BCCI ने सुमन गिल को बेस्ट अंडर 16 क्रिकेटर ऑफ द सीजन 2014-15 चुना और MH चिदंबरम पुरस्कार से भी नवाजा। अब साल 2015 में वो पंजाब के अंडर 19 टीम में भी शामिल हो गए और साल 2015-16 के ध्रुव पांडे ट्रॉफी के 3 मैचों में ही 415 रन बनाए जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। अब साल आता है 2016 जब उसको इंडिया के अंडर 19 टीम में भी शामिल कर लिया जाता है। उस साल हुए अंडर 19
एशिया कप में गिल ने दो मैचों में ही 2 अर्धशतक के साथ 148 रन बनाए थे। उसके बाद भी उन्होंने कई शानदार इनिंग्स खेले, जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 2017 में लिस्ट ए क्रिकेट में उसका डेब्यू हुआ। 2016-17 के विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 6 मैचों में ही 1 शतक के साथ 220 रन बनाए, जिसमें उसका एवरेज 36.66 का रहा। अब उसका फर्स्ट क्लास मैच में भी डेब्यू हो जाता है और बंगाल के खिलाफ वो अपने डेब्यू मैच में ही शानदार अर्धशतक जड़ देते हैं। अब साल आता है 2018, जब 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए सुमन गिल को इंडियन टीम का वाइस कैप्टन बनाया जाता है और अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई उसकी नाबाद 102 रनों की पारी को कोई भूल ही नहीं सकता है, क्योंकि उस मैच में उन्होंने अकेले ही अपने दम पर इंडिया को फाइनल में पहुंचा दिया था। और अंडर 19 वर्ल्ड कप में सुमन गिल को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, क्योंकि उन्होंने उस वर्ल्ड कप के 6 मैचों में ही 1 शतक और 3 अर्धशतक के साथ 372 रन बनाए थे और उस साल इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल भी जीत गई। अब उसी साल वो आईपीएल में भी शामिल हो जाते हैं, जिसमें केकेआर ने उसको 1,80,00,000 में खरीदा और साल 2018-19 के रणजी ट्रॉफी के 5 मैचों में ही 728 रन बनाकर सबको चौंका देते हैं और उसमें तमिलनाडु के खिलाफ उसका 268 रनों की जो पारी थी वो सबसे लाजवाब पारी थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि साल 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उसका ओडीआई में डेब्यू हुआ, जहां एमएस धोनी से उसको ओडीआई का कैप मिला। अब 26 दिसंबर 2020 में उसका टेस्ट में भी डेब्यू हो गया और डेब्यू मैच में उन्होंने शानदार 45 रनों की पारी खेली और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस सीरीज में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया। उसके बाद फिर कभी वो पीछे मुड़कर नहीं देखे और न्यूजीलैंड के खिलाफ 149 गेंदों में 19 चौकों और 9 छक्कों के मदद से खेली गई गिल के 208 रनों की पारी को तो कोई भुला ही नहीं सकता है। दोस्तों, यदि आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।